तो हे गाइस, फिर से मेरे एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि प्लगइन का अपडेट तुम लोगों को कब तक देखने को मिलने वाला है, एंड उसके साथ साथ तुम लोगों को प्लगइन के अपडेट में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, प्लगइन के अपडेट में क्या क्या आने वाला है, सारा का सारा डिटेल्स मैं तुम लोगों को इसी वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। एंड इसके साथ साथ तुम लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर डिफेंडर कार कब तक देखने को मिलने वाला है वो भी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे इस वाले वीडियो के अंदर अगर तुम लोग नए हो तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, क्योंकि मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड सारा वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मैं तुम लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट का सारा चीट कोड बता देता हूं। एंड जल्दी से अपने फोन को निकाल लेते हैं एंड RGS टूल के अंदर जाते हैं। एंड यहां पर आप लोगों को R2 डालना है। जैसे ही आप लोग R2 डालोगे तो आप लोगों के पास ये बड़ा वाला प्रॉप्स आ जाएगा, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर सबसे बड़ा यही वाला प्रॉप्स है, और इस वाले प्रॉप्स से तुम लोग अच्छी खासी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मिशन बना सकते हो। और अगर तुम लोग ऑलरेडी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मिशन बना चुके हो और अगर तुम लोग चाहते हो कि अपने मिशन को प्लगइन ऐप के अंदर डालना, तो आप लोग कैसे डाल सकते हो वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, तुम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर जो भी मिशन बनाए हो उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना और रोहित गेमिंग स्टूडियो को मेंशन कर देना। अगर तुम्हारा मिशन रोहित गेमिंग स्टूडियो को अच्छा लगा तो वो प्लगइन ऐप के अंदर तुम्हारा मिशन को ऐड कर देगा। तो आप लोग क्रिएट करो अपने मिशन को और रोहित गेमिंग स्टूडियो को मेंशन करते रहना। तो चलो गाइस, मैं तुम लोगों को दूसरा वाला चीट कोड बता देता हूँ। तो RGS टूल के अंदर अगर तुम लोग जैसे ही R3 डायल करोगे तो तुम लोगों को ये वाला प्रॉप्स देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू अपडेट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। तो चलो मैं तुम लोगों को तीसरा वाला चीट कोड बता देता हूँ। तो जैसे तुम लोग RGS टूल के अंदर R4 डालते हो तो तुम लोगों को अपने गेम के अंदर ये वाला न्यू रैंप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिला है। एंड उसके बाद जैसे तुम लोग RGS टूल के अंदर P18 डालते हो तो तुम लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये न्यू वाला रैंप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को ये भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू अपडेट में देखने को मिला है। एंड अब बात करते हैं कि प्लगइन के अपडेट में तुम लोगों को क्या क्या देखने को मिलने वाला है, यानी गाइस प्लगइन के अंदर क्या क्या ऐड होने वाला है। तो गाइस प्लगइन के अंदर अभी मिशन ऐड हो रहा है, तो जैसे मिशन ऐड हो जाएगा उसके बाद प्लगइन के अंदर एनिमल्स ऐड होगा। तो गाइस तुम लोगों को प्लगइन के अंदर कौन सा एनिमल ऐड करवाना है, तो जो भी एनिमल्स ऐड करवाना है उस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। अगर उस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दोगे वो एनिमल ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि ट्रैक्टर का चीट कोड क्या है, तो जैसे तुम लोग 5643 डायल करोगे तो तुम्हारे पास ट्रैक्टर आ जाएगा। एंड आप बात कर लेते हैं कि प्लगइन का अपडेट तुम लोगों को कब तक देखने को मिलने वाला है, प्लगइन का अपडेट कब तक आने वाला है। तो गाइस प्लगइन का अपडेट तुम लोगों को अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, न्यू अपडेट आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। और गाइस अभी डिफेंडर का मॉडल नहीं मिल रहा है, तो गाइस अभी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर डिफेंडर कार ऐड नहीं होगा। अगर डिफेंडर कार का मॉडल मिल गया तो मैं तुम लोगों को तुरंत ही बता दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।